नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। गुजरात में शांति, अहमदाबाद में कर्फ्यू जारी। गुजरात में हुई जातीय हिंसा के बाद स्थिति में तेजी से सुधार के बीच मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के विधानसभा क्षेत्र घाट लोडिया तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के निर्वाचन क्षेत्र नारायणपुरा समेत अहमदाबाद शहर के 3 इलाकों और गुजरात के शेष हिस्से से शुक्रवार को कर्फ्यू हटा दिया गया। अब राज्य भर में केवल अहमदाबाद के ही 6 क्षेत्रों रामोल, निकोल, ओढ़ब, बापूनगर, कृष्णानगर और नरोडा में ही कर्फ्यू जारी है। गौरतलब है कि पटेल आरक्षण की मांग के चलते 2 दिनों तक चली हिंसा में 10 लोगों की मौत हुई थी तथा 200 से अधिक वाहन जला दिए गए थे। राहुल गांधी ने किया अलगाववादियों के गढ़ में चाय नाश्ता। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष जीए मीर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से हवाई अड्डे के लिए रवाना होने पर पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने लाल चौक जाने की इच्छा व्यक्त की, इसलिए काफिले ने जहांगीर चौक से यू टर्न ले लिया और मैसूमा चौक के पास रुके। मैसूमा अलगाववादियों और JKLF के अध्यक्ष यासीन मलिक का गढ़ रहा है और यहाँ व्यस्त बाजार में राहुल गांधी पैदल चलकर एक स्थानीय दुकान पर गए, जिससे उनकी सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों के लिए परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो गई। मीर ने कहा कि राहुल ने दुकानदार से चाय पकौड़ा और स्थानीय रोटी बाकर खाने ली। मैसूमा के दौरे से राहुल काफी खुश नजर आ रहे थे। बिहार में राजग के बीच सीटों का बंटवारा 31 सितंबर को। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर राजग में शामिल दलों के बीच सीटों का बंटवारा 31 सितंबर को हो जाएगा। मोदी ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी समेत अन्य दलों के बीच किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। रवि शास्त्री ने बताई MF धोनी के संन्यास की वजह। महेंद्र सिंह धोनी ने आखिर ट्रैप्स क्रिकेट से संन्यास क्यों लिया, इसकी वजह का खुलासा भारतीय क्रिकेट टीम के डायरेक्टर रवि शास्त्री ने कर दिया है। एक अंग्रेजी वेबसाइट को दिए साक्षात्कार में रवि शास्त्री ने कहा कि मेरा मानना है कि धोनी के संन्यास लेने के पीछे जो वजह रही होंगी उनमें से एक यह रही होगी कि उन्होंने महसूस किया होगा कि क्रिकेट के 3 प्रारूप हैं और तीनों प्रारूपों में खेलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इसी समय उन्हें यह भी लगा कि टीम में उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई अन्य खिलाड़ी भी तैयार है। शास्त्री ने कहा कि यह एक अच्छा फैसला था। आप सभी जानते हैं कि विराट सबकी पसंद थे, लेकिन धोनी ने संन्यास की घोषणा कर स्पष्ट कर दिया कि वह विराट में विश्वास करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।